तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन में आती है वो कैसे सॉल्व की जाए, तो मैं आपसे कुछ पांच या चार पांच तरीके जितने भी मुझे पता हैं वो आपको साथ शेयर करूँगा ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो मेरे हिसाब से तो वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि अकोमोडेशन कैसे ढूँढे। तो वीडियो में साथ में बने रहिए, तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने का कब से सोच रहा था, पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा था, और साथ में मैंने पहले कुछ चीज़ें वीडियोस बना के रखी थी वो अपलोड कर रहा था। तो यार, मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि स्टूडेंट को अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है। अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से आ रहा है, जैसे मैं भी आया था, सब लोग आते हैं, उनको अकोमोडेशन, जिनके पास कोई भी अकोमोडेशन नहीं होती, उनको कैसे अकोमोडेशन ढूंढी जाए और किसी को यहाँ पे डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि मुझे याद है यार, जब मैं आया था ना इंडिया से, तो सबसे बड़ी मुझे यही टेंशन थी कि मैं रहूँगा कहाँ, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पे जानता नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और जो एक दो फ्रेंड्स थे भी वो बहुत दूर थे, कोई वैनकूवर, कोई किचनर, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। बट स्टिल मैंने अपनी अकोमोडेशन ढूंढी, और वो भी 24 आवर्स के अंदर ही ढूंढी। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे ढूंढ सकते हो ताकि किसी भी जो स्टूडेंट आने वाला है उसको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कुछ स्टेप्स बताऊँगा, या कुछ मतलब तीन चार तरीके बताऊँगा जो कि आप यूज़ करके अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। तो आप उन तरीक़ों को ज़रूर फॉलो करना, और मुझे नहीं लगता कि अगर इन चार पाँच तरीकों के बाद भी अगर किसी को अकोमोडेशन ना मिले, तो बस वीडियो के साथ ऐसे ही आगे बने रहिए, मैं आपको अभी तरीके बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो वे है अकोमोडेशन ढूंढने का, वो है रिलेटिव्स। अगर किसी के रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं जो कि उसको हेल्प कर सकते हैं, हेल्प इन द सेंस सिर्फ फ्यू डेज़ के लिए, जैसे अगर मैं इंडिया से आ रहा हूँ या आप इंडिया से आ रहे हो, अगर आपके यहाँ पे कोई अंकल आंटी बुआ या कोई भी रहता है, तो वो आपको अगर तीन चार दिन के लिए अकोमोडेशन दे दें, क्योंकि यार ज़्यादा देर तो यहाँ पे कोई भी नहीं रखता, जैसे कि अब्रॉड में तो सुना ही होगा आपने, अपने भी नहीं साथ देते, ये सच है। तो अगर कोई आपको मिल जाता है जो आपको तीन चार दिन के लिए रख ले, फिर उसके बाद आप जब इधर आ जाओ उसके बाद अकोमोडेशन ढूंढना और ईजी हो जाता है। तो सबसे पहला तरीका ये मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया ये था रिलेटिव्स। तो यार, अब दूसरा सबसे बड़ा तरीका है, और ये बात नहीं है कि आपको यहाँ पे आके ही अपनाने हैं, आपको इंडिया में थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी ताकि आपको ये सारे तरीके इधर आके इतना ज़्यादा बर्डन ना हो इन चीज़ों पे, कि इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस ना करना पड़े। तो आपने सबसे पहले दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपने इंडिया में से kijiji.com, यहाँ पे जैसे इंडिया में जैसे OLX होता था, या इंडिया पे और ज़्यादा जैसे साइट्स होती थी जहाँ पे रूम रेंटल्स मिलते हैं या कोई पुरानी चीज़ें मिलती थी, यहाँ पे कनाडा में kijiji है, kijiji.com। ये मैं साइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इस पे जाके आपने, जैसे अगर सैनिका न्यूयॉर्क कैंपस है मेरा, वहाँ पे सर्च करना, जैसे कि आपका कोई भी कॉलेज है, रूम्स नियर सैनिका यॉर्क, तो वहाँ पे कई ज़्यादा लिस्टिंग्स आ जाएंगी रूम्स की, और उस हिसाब से आपको जो अच्छा लगे और जो आपके प्राइस पॉइंट में बैठ भी रहा हो, कि जैसे अगर आपका बजट $400 है, अगर वो 400 के अंडर आ भी रहा है और आपकी सारी नीड्स पूरी भी हो रही हैं, तो आप उस चीज़ को, उस ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने आपको जैसे कि बता दिया, रिलेटिव्स हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आ गया कि जी। तो तीसरा स्टेप है फेसबुक। यार, फेसबुक की एड्स में भी ना, अगर आप जाके सर्च करोगे कि रूम्स नियर दिस कॉलेज या रूम्स नियर दिस एरिया, तो वहाँ पे भी कई ज़्यादा रूम्स आ जाते हैं, क्योंकि मैंने, मेरे दो फ्रेंड्स से उनको फेसबुक के थ्रू यार रूम मिला। तो इसलिए आप इस फेसबुक के ऑप्शन को मतलब लाइटली मत लेना। अगर आपने रूम्स आपको कहीं से नहीं मिल रहे, कि जीजी से भी नहीं मिल रहे, तो आप एक बार फेसबुक पे भी देखो, और फेसबुक पे भी अगर आपको रूम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर, और एक चीज़ और, अगर आपको फर्स्ट मंथ या थोड़ा से दो मंथ्स के लिए रूम थोड़ा कॉस्टली भी मिल रहा है, जैसे अगर आपको 350 आपका बजट है और आपको 400 तक मिल रहा है, तो यार ले लो। क्योंकि आप यहाँ पे आके जब आप थोड़े सेटल डाउन हो जाओगे, जब आपके थोड़े फ्रेंड्स बन जाएंगे, तब आप उसके बाद आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको ज़रूरत है यहाँ पे आके एक रूम की, जहाँ पे आप रह सको। क्योंकि मुझे पता है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अगर यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेटिव ना हो और कोई रूम का हमें पता ना हो। तो ये थे तीन स्टेप। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ फोर्थ स्टेप की। अब यार फोर्थ स्टेप
ये है कि ओरिएंटेशन, जैसे कि मैं हर एक में बात करता हूँ कि ओरिएंटेशन ज़रूर अटेंड करो। ओरिएंटेशन में भी कई ज़्यादा ऐसे दोस्त मिलते हैं या कई ज़्यादा ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो कि ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मेरे साथ रूम शेयर करे। तो उस सिचुएशन में आप उसके साथ रूम शेयर कर सकते हो। जैसे अगर वो मतलब वो पर्सन अगर 700 दे रहा है एक रूम का, तो उसके साथ आप 350 350 कर सकते हो और आपका रूम शेयर भी हो जाएगा और आपको एक रूम भी मिल जाएगा। तो इसलिए इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। तो अब तक आपको 4 जो मैंने स्टेप्स बताए वो आपको पता लग गए होंगे। और अब एक और स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कई ज़्यादा स्टूडेंट्स के केस में, जो कि कॉलेजेस अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं। उन्होंने एक साइट बनाई होती है हर एक कॉलेज की, जैसे कि सैनिका रेंटल्स या सैनिका करके कुछ हाउसिंग। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो खाली रूम की एड्स ही पोस्ट करेंगे, या रूम्स हो गए, या कोई किसी को अकोमोडेशन चाहिए हो गई, तो वो सारी एड्स वो उनकी साइट पे होती है। अब हर कॉलेज की अपनी कुछ ना कुछ ऐसे साइट होती है, जैसे मेरी सैनिका की भी कोई थी। मैंने उस टाइम आई गेस उस साइट से मुझे एक पर्सन के साथ मैंने बात की थी, उसको भी रूम चाहिए था, मेरे को भी रूम चाहिए था, बट मेरे को उस साइट के अलावा ही रूम मिल गया और मुझे फिर उस साइट की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप उस साइट को भी कंसीडर कर सकते हो अगर जो आपके कॉलेज के अपना ग्रुप हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, इनमें से एक ना एक तो यार हर एक के लिए वर्क करेगी। और अगर आपको इन सारी चीज़ों में से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ आओ। यहाँ पे एयरबीएनबी करके होटल्स भी नहीं बोल सकते, लोग अपने हाउसेज या रूम्स को ना रेंट पे दे देते हैं airbnb.com पे। तो वहाँ पे आके अगर आप 2 3 दिन का रूम ले लो, जैसे अगर आपका कॉलेज 7 को स्टार्ट हो रहा है, आप शायद यहाँ पे 3 4 दिन पहले आप लैंड हो रहे हो, तो आप एक हफ्ते के लिए अगर वो एयरबीएनबी बुक करवा लो, तो फिर कॉलेज स्टार्ट करते ही आपको कुछ फ्रेंड्स बनेंगे जिससे आपका रूम का इंतज़ाम हो जाएगा। बट फॉर द वेरी इनिशियल डेज़ आप एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हो, तो उससे आपको मोस्टली हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक अकोमोडेशन ढूंढने में आपको हेल्प कर सकती हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, अगर आपको कोई भी चीज़ की चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ का रिप्लाई करता हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो यार, अकोमोडेशन कैसे एक स्टूडेंट ढूंढे, और अगर उसको कोई चीज़ मतलब नहीं मिल रही, और अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, और अगर उसको कोई रूम नहीं मिल रहा, तो ये 6 7 स्टेप्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी स्टेप जो आपके लिए वर्क करता है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो या हेल्पफुल लगी हो, तो आप प्लीज़ लाइक देना और शेयर करना, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट जो इधर आ रहे हैं उनको हेल्प हो। और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। और मैंने व्लॉग्स भी शूट कर लिए हैं, बस एडिट करना रह गए हैं, तो व्लॉग्स भी अच्छे आने वाले हैं। तो बस यही था आज के लिए वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव लव, बाय बाय।